हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कस अबाउट द क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। इसी का आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो इन प्रीवियस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनके नाम कैसे रखे गए, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया, क्या क्या एविडेंसेस हमें मिले एंड हाउ दे ऑब्टेन फूड। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्लियर ह्यूमंस फ्रॉम ट्री टू केव्स एंड ओपन एयर साइट्स, मीन्स हम अर्लियर ह्यूमंस के रेसिडेंशियल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अर्लियर ह्यूमंस के रेसिडेंशियल एरियाज का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिकल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द एविडेंस फॉर पैटर्न ऑफ रेसिडेंस एंड द वे इज बाय प्लॉटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। सो आर्टिफैक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट और द मटेरियल दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। फॉर एग्जाम्पल टूल्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मतलब जितनी भी प्राचीन कलाकृतियां होती थी उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा कि यदि हम इन आर्टिफैक्ट्स का पता लगा लें, इनकी हम प्लॉटिंग कर लें, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्लॉटिंग अगर कर लें, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि अर्लियर ह्यूमंस किस तरीके से रहते थे और वो कहाँ रहते थे। इसका एग्जाम्पल भी हमें मिला है फ्लेक टूल्स और हैंड एक्सेस के कोलंबे एंड लॉर्ग सेली में, ठीक है, केनिया में जो है। तो इन दो जगहों पर, इन दो साइट्स पर हमें इस तरीके के टूल्स भी मिले हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि ये जो अर्लियर ह्यूमंस थे ये इन जगहों पर रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट अर्लियर होमिनीड सच एज होमो हैबिलिस प्रोबेबली कंज्यूम मोस्ट ऑफ द फूड वेयर दे फाउंड इट। तो क्या होता था कि जो होमो हैबिलिस थे वो उन जगहों पर ज़्यादा रहा करते थे, ज़्यादा पाए जाते थे जहाँ पर उन्हें फूड के ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते थे, ठीक है। वो सोते कहीं और थे और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहाँ पर बिताते थे, ट्रीज में बिताते थे। बात करें अगर 400,000 टू 125,000 ईयर अगो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ट्रीज से वो कहाँ पर जाने लगे थे, केव्स एंड ओपन एरिया साइट्स पर जाना स्टार्ट कर दिया था हमारे अर्लियर ह्यूमंस ने। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो लैजरेट केव एंड टेरा अमाटा। लैजरेट केव जो है वो हमको कहाँ पर मिला है, फ्रांस के साउदर्न एरिया में मिला है, जो कि 12x4 meter शेल्टर है, ठीक है। 12x4 meter का एक शेल्टर वहाँ पर मिला है जहाँ पर हमें 2 herds मिले हैं और कई सारे फ्रूट्स के एविडेंस मिले हैं, मतलब बेरीज हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके कई सारे एविडेंस मिले हैं और 2 herds मिले हैं। हर्ड्स मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर फायर जलाई जाती थी, मतलब आग लगाई जाती थी। तो इससे एक चीज़ और पता चल गई कि अब लोगों ने, जो अर्लियर ह्यूमंस थे, उन्होंने आग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। बात करेगा टेरा अमाटा की, तो टेरा अमाटा भी हमें साउदर्न फ्रांस में एक शेल्टर मिला है जो कि कैसा है, फिल्मसी शेल्टर है जिसकी जो रूफ्स हैं वो वुड्स और ग्रास से बनी हुई हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो सीजनल विजिट्स के लिए इस तरीके की साइट्स या शेल्टर भी बनाया करते थे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने रिकंस्ट्रक्ट किया है टेरा अमाटा की साइट को, ठीक है। इसके अलावा बेग्ड क्ले, बर्न बोन, स्टोन टूल्स, ये सारी चीज़ें भी हमें अलग अलग साइट्स पर मिल ली गई हैं, जैसे कि चेजोवानजा हो गया, आपका केनिया, साउथ अफ्रीका, इन साइट्स पर हमें अलग अलग जो आर्टिफैक्ट्स थे वो मिले हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो लैजरेट केव था वहाँ पर हमें 2 herds मिली थी जहाँ पर फायर लगाई जाती थी या फायर जलाया जाता था, तो ये इंडिकेट करता है द कंट्रोल यूज़ ऑफ फायर। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे इस समय तक वो क्या करने लगे थे, उन्हें फायर का कंट्रोल्ड यूज़ करना आ गया था। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे, द फर्स्ट वन इज़ फायर प्रोवाइड वार्म एंड लाइट इनसाइड केव, ठीक है, केव के अंदर लाइट और गर्मी जो थे उसके कारण उनको मिलती थी, फॉर कुकिंग के लिए वो लाइट का इस्तेमाल करने लगे थे। और तीसरी चीज़ क्या थी, स्केयर अवे डेंजरस एनिमल, तो डेंजरस एनिमल्स से बचने के लिए भी वो फायर का यूज़ करने लगे थे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्लियर ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। अब हम जानेंगे कि अर्लियर ह्यूमंस ने किस तरीके से टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया और उसको बनाना स्टार्ट किया। तो देयर शुड बी अडेप्टेशन इन एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्किल। तो ऐसा माना जाता है कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे उनके एनाटॉमिकल और न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, मतलब उनके नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसे अडेप्टेशन हुए थे, फेवरेबल चेंजेस हुए होंगे
जिसके कारण उनके स्किल में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया। ये चीज़ एप्स में नहीं पाई जाती। सो द अर्लियर एविडेंस फॉर मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल कम्स फ्रॉम द साइट इन इथोपिया एंड केनिया। तो इथोपिया और केनिया में कई ऐसी साइट्स हमें मिली हैं जहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स के। और द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर वर द एस्ट्रेलोपिथेकस। द वन मार्क्स क्वेश्चन, ओके। तो एस्ट्रेलोपिथेकस ही पहले, ऐसे आप कह सकते हो, होमिनिड्स थे जिन्होंने स्टोन को बनाना और उसका यूज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अर्लियर एविडेंस के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पिक्चर, इस तरीके के हमें स्टोन टूल्स मिले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि ये जो टूल्स बनाने का काम था और टूल्स को यूज़ करने का काम था, ये कौन करता था, मतलब मैन करते थे या वुमेन करते थे। तो हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने इसका जवाब दिया कि बोथ यूज द स्टोन टूल्स, ठीक है। वुमेन्स भी क्या करती थी, स्टोन टूल्स का यूज़ करती थी फॉर ऑब्टेनिंग और गैदरिंग फूड और सस्टेन देयर चिल्ड्रन, अपने चाइल्ड जो हुआ करते थे, चिल्ड्रंस हुआ करते थे, उनको सस्टेन करने के लिए और फूड को गैदर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए भी वो इसका इस्तेमाल किया करती थी, ओके। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम क्या हुआ, कुछ टूल्स में भी क्या होते गए, चेंजेस आते गए। तो उसको हम देख लेते हैं। तो अबाउट 35,000 ईयर अगो क्या हुआ, देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक फॉर किलिंग एनिमल्स। अब हंटिंग की जो टेक्निक्स थी उसमें चेंजेस आने लगे, क्योंकि अब क्या होने लगा कि टूल्स जो थे उसके अलग अलग टाइप्स, उसके अलग अलग काइंड्स जो थे वो भी फॉर्म होने लगे। द न्यू काइंड ऑफ टूल्स लाइक बो एंड एरो, स्पेयर थ्रोअर, ठीक है, स्पेयर थ्रोअर और बो एंड एरो जैसे जो टूल्स थे वो बनाना हमारे अर्लियर ह्यूमंस ने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, है ना, स्पेयर थ्रोअर को। तो इस तरीके से क्या होने लगा था कि इसका एक एडवांटेजेस ये मिलने लगा कि जो फूड था, ठीक है, जो भी हंटिंग वो करते थे उसको वो स्टोर करते थे फॉर द लेटर कंजप्शन। मतलब क्या करते थे, वो उसको बचा कर रखते थे, स्टोर करके रखते थे ताकि वो आने वाले दिनों में भी उसको कंज्यूम कर सके। अबाउट 21,000 ईयर अगो द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर स्वेन क्लोथ, ठीक है, यहाँ से हमें एविडेंस मिलते हैं स्वेन क्लोथ के, मतलब सिले हुए कपड़े के, ठीक है। तो क्या करने लगे थे जो अर्लियर ह्यूमन थे, दे ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स। फर बियरिंग एनिमल्स जो हुआ करते थे, जिनके फैदर्स हुआ करते थे, उनको ये क्या करने लगे थे, ट्रैप करने लगे थे। और इसी टाइम क्या हुआ था, देयर शुड बी इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स। स्विंग नीडल का मतलब सुई धागे का एक तरीके से क्या हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, जिसके द्वारा वो क्या करने लगे थे, सिले हुए जो कपड़े होते थे, जो फर के कपड़े बनाते थे ये लोग एनिमल्स के, वो क्या करने लगे थे, वियर करने लगे थे, ठीक है। और इसी टाइम एक और टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा और वो टेक्निक थी द पंच ब्लेड टेक्निक। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं, पंच ब्लेड टेक्निक को। तो द पंच ब्लेड टेक्निक, देखिए पंच ब्लेड टेक्निक में क्या होता था कि इस तरीके का एक क्या लिया जाता था, स्टोन लिया जाता था, जिसके अपर पार्ट को हम क्या बोलते थे, पेबल बोलते थे, ठीक है। और हाथ में क्या करते थे, ये दूसरा एक हैमर स्टोन लेते थे। हैमर स्टोन से ये क्या करते थे, जो जो पेबल होता था इसको ये अलग कर देते थे, ठीक है। यहाँ पर आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो। तो इस तरीके की जो सरफेस बनती थी इसको हम बोलते थे स्ट्रिकिंग प्लेटफॉर्म। अब इससे क्या होता था, ये हैमर के थ्रू यहाँ से अलग अलग छोटे छोटे क्या करते थे, ये ब्लेड्स तैयार करते थे इन स्टोन्स के। बाद में इन ब्लेड्स का यूज़ किया जाता था एज अ नाइफ, मतलब नाइफ के तौर पर, या फिर बो एंड एरो के लिए, या फिर स्पेयर थ्रोअर के लिए। इस तरीके से स्टोन के अलग अलग फॉर्म और अलग अलग काइंड्स बनाना अर्लियर ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया। यही होता है आपका पंच ब्लेड टेक्निक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इन प्रीवियस टॉपिक्स वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस, हाउ दे मेक टूल्स, शेल्टर एंड क्लोथ्स। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते थे, अर्लियर ह्यूमंस जो थे वो किस तरीके से कम्युनिकेट्स करते थे। तो बेसिकली दो मीडियम्स के थ्रू ये कम्युनिकेट करते थे, बाय लैंग्वेज एंड आर्ट। सो द फर्स्ट वन इज होमिनिड्स लैंग्वेज इन्वॉल्व गेस्चर और हैंड मूवमेंट। मतलब वो एक तरीके से क्या यूज़ करते थे, साइन लैंग्वेज का यूज़ करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। मतलब कोई भी वर्ड्स नहीं होते थे, कोई भी साउंड नहीं होता था, बस वो अपने हैंड मूवमेंट से, गेस्चर पोस्चर से ही क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। बाद में दे यूज साउंड नॉट वर्ड्स। वो क्या करने लगे, साउंड का यूज करने लगे मगर वर्ड्स का यूज नहीं करते थे। वोकल बट नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, उनका जो कम्युनिकेशन होता था वो वर्बल नहीं होता था। इट इज जस्ट लाइक अ बर्ड। तो बर्ड्स क्या होती हैं, वो एक साउंड के थ्रू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उसी तरीके से हो सकता है जो हमारे अर्लियर ह्यूमंस थे वो बर्ड्स और एनिमल्स को ही देखकर क्या करने लगे थे, साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करने लगे थे।
बाद में जैसे जैसे उनमें एवोल्यूशंस हुए, जैसे जैसे चेंजेस हुए, तो फिर ह्यूमन स्पीच प्रोबेबली बिगेन विथ कॉल्स। ठीक है, तो प्रीमेट्स में ऐसा देखा जाता है कि कॉल्स के थ्रू वो क्या करने लगे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे थे और स्पीच का शुरुआत हो चुकी थी। बाद में फिर क्या हुआ, उनकी जो भी लैंग्वेज थी उसका भी वो यूज़ करने लगे थे। सो द ब्रेन ऑफ होमो हैबिलिस हैड सर्टेन फीचर विच वुड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू स्पीक। तो होमो हैबिलिस की ब्रेन में कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस हुए, उनमें कुछ ऐसी एवोल्यूशन हुए जिसके कारण जो होमो हैबिलिस थे वो उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया। लैंग्वेज में हैव डेवलप्ड एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो। तो 2 मिलियन ईयर अगो का टाइम माना जाता है जब जो लैंग्वेज थी उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो देयर शुड बी एवोल्यूशन ऑफ द वोकल ट्रैक्ट अराउंड 200,000 ईयर अगो। तो 200,000 ईयर अगो जो होमिनिड्स थे उनमें जो वोकल ट्रैक्ट हुआ करती थी, उनके जो वोकल ट्रैक्ट हुआ करते थे उनमें कुछ ऐसे एवोल्यूशन देखे गए, उनमें कुछ ऐसे फेवरेबल चेंजेस देखे गए जिसकी वजह से वो उन्होंने बोलना जो है वो स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट देखते हैं हम, द नेक्स्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज आर्ट। अब क्या होता था कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो आर्ट के थ्रू भी क्या करते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग ऑफ एनिमल्स बिटवीन 30,000 to 12,000 ईयर अगो हैव बीन डिस्कवर्ड इन द केव्स ऑफ लेस्कॉक्स एंड कॉवेट। तो कॉवेट और लेस्कॉक्स जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं पेंटिंग्स के। उसके अलावा अल्टमीरा जो कि स्पेन में है, वहाँ भी हमें कई सारी जो पेंटिंग्स हैं एनिमल्स की वो मिली हैं। अब इन पेंटिंग्स में बेसिकली क्या होते थे, एनिमल्स होते थे जो कि बड़े बड़े एनिमल्स होते थे जैसे हॉर्स, डियर, राइनोज, लॉयंस। ठीक है, तो इनकी पेंटिंग्स जो थी उसके थ्रू भी जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वो अपनी पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एनिमल का ही यूज़ क्यों करते थे, या अगर वो खुद का भी यूज़ करते थे तो वो एक ग्रुप में करते थे। तो इसके लिए कुछ अलग अलग हमारे आर्कोलॉजिस्ट के क्या हैं, थॉट्स हैं। द फर्स्ट वन इज टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ हंटिंग। हो सकता है वो पेंटिंग या फिर आर्ट का जो यूज़ करते थे अपनी हंटिंग टेक्निक को इम्पॉर्टेंस देने के लिए या उसको बताने के लिए यूज़ करते होंगे। द नेक्स्ट वन इज द पेंटिंग वर एसोसिएटेड विथ रिचुअल्स एंड मैजिक। उनके कुछ रिचुअल्स या फिर मैजिक से उनका जो भी पेंटिंग या आर्ट का जो भी सिस्टम था वो जुड़ा हो सकता है। द नेक्स्ट इज टू शेयर हंटिंग टेक्निक्स एंड नॉलेज। अपनी हो सकता है वो हंटिंग टेक्निक्स और नॉलेज को शेयर करने के लिए किसी केव में गैदर होते हों और वहाँ पर पेंटिंग के थ्रू फिर वो क्या करते हों, नॉलेज और टेक्निक को शेयर करते हों। द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो क्या करते थे कि हो सकता है कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के लिए क्या करते थे, वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी इस तरीके की पेंटिंग्स या फिर आर्ट को यूज़ करते थे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्लियर एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका। तो हंटर गैदरर कुछ ग्रुप्स थे अफ्रीका में जिनसे क्या किया गया, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो मिले और वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि उनकी जो लाइवलीहुड थी उसको देखते हुए उन्होंने एक अजम्पशन लगाया कि हो सकता है अर्लियर ह्यूमंस भी इस तरीके से वहाँ पर रहते होंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी को। तो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन कल्चर या फिर ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जो भी स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इस साइंस को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, द हाड्जा। ठीक है, हाड्जा क्या था, द हाड्जा वर द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हंटर एंड गैदरर। ठीक है, अफ्रीका के जगह पर क्या थे, ये एक हंटर गैदरर सोसाइटी थी आप कह सकते हो, या फिर एक ग्रुप था जो रहता था कहाँ पर, नियर लेक अयासी, असॉल्ट रिफ्ट वैली लेक। ठीक है, रिफ्ट वैली लेक थी एक सॉल्टी जिसका नाम था क्या, अयासी। तो वहाँ पर ये लोग रहते थे, हंटर गैदरर थे, ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे और इसी तरीके से ये वहाँ पर रहा करते थे। द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हाड्जा इज रॉकी ड्राई थ्रोनी। तो ये जो हाड्जा लोग थे इनकी जो सोसाइटी के जो ईस्टर्न पार्ट था है ना, ये रॉक्स ड्राई है ना और थॉनी मतलब काटो और इन सब चीज़ों से भरा हुआ था, मतलब रहने लायक नहीं था। अब बात करते हैं कि ये जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी ये किस तरीके से वहाँ पर रहती थी, किस तरीके से इनका फूड रिसोर्सेज हुआ करते थे, वाटर के लिए ये क्या करते थे, किस तरीके से ये शेल्टर में रहते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। तो फूड के लिए ये दो सोर्सेज पर डिपेंड थे, द फर्स्ट वन इज़ एनिमल सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज़
प्लांट सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज में भी ये 20% जो थे वो एनिमल रिसोर्स पर डिपेंड थे एंड दैट 80% ये किस पर डिपेंड थे, प्लांट सोर्स पर डिपेंड थे। अब एनिमल रिसोर्सेज पर भी ये लार्ज एनिमल और स्मॉल एनिमल दोनों पर ही क्या थे, डिपेंड थे। लार्ज एनिमल में आप देख सकते हो बफेलो, राइनोसोर्स, ठीक है, जेब्रा, तो जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे उनको कंज्यूम करते थे ये फूड के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल इनके जो एनिमल्स हुआ करते थे जैसे पॉर्क्यूपाइन, हेयर, जैकॉल और टॉर्टोइस, तो जो छोटे छोटे एनिमल्स हुआ करते थे उनको भी ये कंज्यूम करते थे। बट एनिमल सोर्सेज की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने फूड का 20% ही एनिमल सोर्स पर डिपेंड थे। बात करते हैं प्लांट सोर्स की, तो प्लांट सोर्सेज में ये 80% जो थे वो डिपेंड थे, ठीक है। तो रूट्स, बेरीज और जो फ्रूट्स हुआ करते थे वो ये क्या करते थे, गैदर करते थे और उन्हीं को क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द ये कंज्यूम किया करते थे। वेजिटेबल फूड अवेलेबल इन डिफरेंट इन द 6 month वेट सीजन फ्रॉम द ड्राई सीजन बट देयर इज नो पीरियड ऑफ शॉर्टेज। तो इन्होंने बताया कि ये जो वेजिटेबल फूड्स जो हुआ करते थे ये क्या करते थे, वेट सीजन और ड्राई सीजन दोनों पर ही ये क्या थे, इनको मिल जाया करते थे, मतलब इनके पास फूड की जो शॉर्टेज थी वो नहीं हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि वाटर रिसोर्स के लिए या वाटर सोर्सेज के लिए इनके पास क्या थे, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेट सीजन बट इन ड्राई सीजन दे कैरी वाटर फ्रॉम 5 to 6 kilometers, ठीक है। तो इनका जो भी कैंप्स वगैरह होता था, शेल्टर वगैरह हुआ करता था, तो वेट सीजन में इनको तो आसानी से पानी मिल जाया करता था, लेकिन ड्राई सीजन के लिए ये क्या करते थे, कभी कभी इनको 5 to 6 kilometers के लिए क्या करना पड़ता था, चलकर जाना पड़ता था और वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता था, ठीक है। कैंप्स आर नॉर्मली विद इन अ किलोमीटर ऑफ अ वाटर कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करते थे कि जो भी वाटर का रिसोर्स होता था, जहाँ भी इनको वाटर मिलता था, उसी के पास में ये क्या करते थे, कैंप्स को लगाया करते थे। बात करते हैं कैंप्स की, तो कैंप्स जो हुआ करते थे वो ज़्यादातर ये कहाँ पर बनाया करते थे, नियर ट्रीज एंड रॉक्स, ट्रीज और रॉक्स के पास ये बनाया करते थे। अब आप समझ सकते हो ट्री और रॉक्स के पास क्यों बनाते थे, कि हो सकता है कि अगर बारिश हो तो उससे इनको क्या मिल सके, सुरक्षा मिल सके। तो वाइडली डिस्पर्स्ड इन वेट सीजन, वेट सीजन में जो इनका कैंप होता था वो काफ़ी डिस्पर्स होता था, मतलब फैला हुआ होता था। वहीं बात करें अगर हम ड्राई सीजन की, तो ड्राई सीजन में ये क्या करते थे, जहाँ भी वाटर रिसोर्स मिलता था, जहाँ भी वाटर सोर्सेज इनको मिलते थे, वहीं पर ये अपने कैंप्स को लगाया करते थे। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, एक अजम्पशन लगाया कि हो सकता है कि जो हमारे अर्लियर ह्यूमंस थे वो भी इस तरीके से रहा करते होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक को। अब बात करते हैं हम हंटर गैदरर सोसाइटीज फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। अब क्या करते हैं हम इसमें, कि जो हमारे पास हंटर गैदरर सोसाइटीज का डाटा है जो प्रेजेंट में हमारे पास, उस प्रेजेंट से हम पास्ट को क्या करते हैं, एक तरीके से कंपेयर करते हैं और पास्ट के बारे में वहां पर चीजों को हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इथनोग्राफी को, तो इथनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ कंटेम्प्ररी एथनिक्स ग्रुप, ठीक है। जो एथनिक्स ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली एथनिक्स ग्रुप्स क्या होते हैं, आप जानते हो जो भी जनजातियाँ वगैरह होती हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी अपनी क्या होती हैं, लाइवलीहुड्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, जेंडर रोल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, है ना, उनका मतलब एक अलग ही क्या होती है, उनकी दुनिया होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एथनिक्स ग्रुप बोलते हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी करते हैं, जो साइंस स्टडी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इथनोग्राफी बोलते हैं। अब इस चीज़ को लेकर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, मतलब कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इसके फेवर में थे और कुछ लोग जो थे वो इसके फेवर में नहीं थे। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते थे कि प्रेजेंट की चीज़ों को देखकर, उनको समझकर, उनके डाटा को कंपेयर करके हम पास्ट की चीज़ों का पता लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे थे जो इससे बिल्कुल डिनाई करते थे और वो कहते थे कि प्रेजेंट की चीज़ों का जो डाटा है वो हम पास्ट की चीज़ों को उससे इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोनों अलग अलग सोच रखने वाले जो लोग थे, उनके क्या क्या थॉट्स थे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉज, या फिर जो लोग इसके फेवर में थे, तो दे डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डाटा फ्रॉम प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी इनको हंटर गैदरिंग सोसाइटी से जो भी डाटा मिलता था प्रेजेंट में, उससे ये क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको अप्लाई करते हैं टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट को इससे वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसके लिए एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि लेक टुरकाना, जो कि होमिनाइड्स की
साइट थी, होमिनिड्स की साइट थी, तो लेक टुरकाना की जो साइट थी उसको इन्होंने कंपेयर किया है हाजा और कुंगसन, ठीक है ना। ये आपके बुक्स में दिए हुए दो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं। तो ये क्या करते थे, अभी हमने देखा था कि हाजा जो थे वो ड्राई सीजन में क्या करते थे, अपने कैंप्स जो थे वो लगाया करते थे। तो वहाँ पर लेक टुरकाना में भी हमें होमिनिड्स की जो साइट्स मिली हैं, तो इस तरीके से हाजा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट से हम पास्ट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से कुछ लोग माना करते थे, बट इनके जो अगेंस्ट थे, अब उनको जानते हैं वो क्या सोच रखते हैं। दे फील दैट द इथनोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटी एज द टू आर टोटली डिफरेंट। इनका मानना है कि ये जो डाटा होता है, इथनोग्राफिक डाटा जो होता है, इससे हम पास्ट सोसाइटी के बारे में पता नहीं लगा सकते, या हम टोटली इसको अप्लाई नहीं कर सकते उनके रिमेन्स को, या फिर हम जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको जानने के लिए। इसके कई सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए, जैसे कि द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अब जैसे कि देख सकते हो आप ट्रेड, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है पेड लेबर। अब इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जैसे कि अभी की जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जो भी हंटिंग गैदरिंग करती हैं उसको वो ट्रेड करती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में भी जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो ट्रेड वगैरह किया करते हों, ठीक है। अब दूसरा उन्होंने कहा कि पेड लेबर्स का, तो पेड लेबर्स क्या होते हैं कि जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ होती हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास के जो भी इलाके होते हैं या आसपास की जो भी सिटीज़ या फिर आप कह सकते हो विलेजेस होते हैं, वहाँ जाते हैं, फार्मिंग वगैरह करते हैं या जो भी काम करते हैं, और फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में भी होता होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो थिंकिंग रखने वाले लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट की चीज़ों को या प्रेजेंट के डाटा को पास्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं वीकनेस का। तो वीकनेस में देख सकते हो आप यहाँ पर ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और सोशली। अभी की अगर हम बात करें जो हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं वो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, वीक हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले भी ऐसा होता हो, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो कि जो भी ट्राइब्स वगैरह होती हैं ना, जनजातियाँ होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अलग थलग माना जाता है सोसाइटीज़ से, है ना। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में भी अर्लियर ह्यूमंस के साथ ऐसा होता हो। नेक्स्ट इज टूडेज़ वेरिएशन। अब वेरिएशन की अगर हम बात करें तो ग्रुप साइज़ जो होता है, इम्पॉर्टेंस जो होती है हंटर गैदरर सोसाइटीज़ की, ठीक है, मूवमेंट, वो आजकल ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा पास्ट में भी होता हो। तो बेसिकली ये इस तरह की जो थिंकिंग रखते थे, जो सोच रखते थे, वो क्या करते थे कि जो भी प्रेजेंट का डाटा होता था उसको पास्ट पर वो अप्लाई करना बिल्कुल गलत मानते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। सो द नेक्स्ट वन इज़ एपीलॉग। एपीलॉग मीन्स कंक्लूजन। अब हम पढ़ेंगे कि चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। सो द हंटिंग जो थी अब वो चेंजेस हो गई थी किस में, डोमेस्टिकेशन में। मतलब अब इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने लगा था धीरे धीरे अर्लियर ह्यूमंस में कि वो जिन जानवरों का हंटिंग करते थे, है ना, फॉर फूड, अब उसको वो क्या करने लगे थे, यूज़ करने लगे थे एज अ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, है ना। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए वो क्या करने लगे थे, उसको यूज़ करने लगे थे। गैदरिंग की अगर बात करें तो गैदरिंग जो थी वो चेंज हो गई थी किस में, फार्मिंग में, ठीक है। जो भी वो गैदरिंग किया करते थे उसको वो धीरे धीरे किस में चेंज करने लगे थे, फार्मिंग में चेंज करने लगे थे। और इन सब के एविडेंस हमें मिलते हैं 10,000 टू 4,500 ईयर अगो फर्टाइल क्रिसेंट नाम के जगह पर, ठीक है। 13,000 ईयर अगो एंड ऑफ आइस एज, ठीक है। तो 13,000 ईयर अगो क्या हुआ, आइस एज का एंड हो गया, मतलब आइस एज का एंड हो गया, मतलब एस्ट्रोलोपिथेकस जो थे, है ना, एस्ट्रोलोपिथेकस जो थे वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आया, वार्म और वेट क्लाइमेट स्टार्ट होने लगा। तो अब जब क्लाइमेट में चेंज आएगा तो जितनी भी फिजिकल कंडीशन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीट, बार्ले, इन सब का क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी, मतलब अब वो क्रॉप्स की भी क्या करने लगे, ग्रोथ करने लगे। फॉरेस्ट एनिमल, इन सब में भी अलग अलग वैरायटीज़, इनकी स्पेशीज़ जो थी वो भी क्या होने लगी, क्लाइमेट के चेंज होने के कारण बढ़ने लगी। अब बात करते हैं हम कुछ फैक्टर्स की जिनके कारण ये सब हुआ। द फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेस्ट होगा उसमें भी ग्रोथ होगी, एनिमल्स में भी ग्रोथ होगी, और इनकी जो स्पेशीज़ हैं उनमें भी क्या होगी, वैरायटीज़ हमको देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन प्रेशर डिमांड। अब क्या हुआ, इन चेंजेस का एक फैक्टर ये भी है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होने लगी। अब जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, लोगों की ग्रोथ होगी, तो जो डिमांड का प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। जब लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी खाने पीने की जो डिमांड होगी वो भी बढ़ेगी। तो उसके लिए भी हमें क्या करते हैं, टेक्निक्स को हमें इन्वेंट करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज कोऑर्डिनेशन एंड फैमिलियर विथ प्लांट्स एंड एनिमल।
तो जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हुआ करते थे प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। अब इन सब का ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, द फर्स्ट वन इज़ परमानेंट हाउसेस। अब क्या देखा था हमने कि जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो अलग अलग सीजनेबल वाइज क्या करते थे, पहले शेल्टर बनाया करते थे, उसमें रहते थे। जब वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे तो वो अपना रेसिडेंशियल एरिया क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, क्लाइमेट में चेंजेस होने लगा, टेक्निक्स बढ़ गई, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होने लगी टेक्निक्स में, तो यहाँ पर क्या होने लगा, वो परमानेंट सेटल होने लगी। नेक्स्ट मेकिंग ऑफ पॉट्स व्हील, है ना। अब वो क्या करने लगे, पॉट्स व्हील बनाने लगे। आप जानते हैं कि जिससे हम क्या बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं। न्यू स्टोन टूल्स बनाना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे कि क्या होता था कि जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसका वो ट्रांसपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जो भी मेटल्स हुआ करते थे, कॉपर और टिन जैसे जो मेटल्स हुआ करते थे, उससे भी वो क्या होने लगे, काफ़ी फैमिलियर होने लगे, जिससे वो अलग अलग क्या बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, और उसका यूज़ वो क्रॉपिंग, हंटिंग, फार्मिंग, इन सारी चीज़ों में करने लगे। सो ये चैप्टर आपका यहीं पर होता है एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।